हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओम सर फाउंडेशन। दोस्तों, मानव जाति के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए कितना बड़ा योगदान है एजुकेशन का, आप लोगों से आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एजुकेशन के सेक्टर में क्या योगदान है, क्या नियम है और किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, आज के इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, आप उस चीज़ का लाभ उठा सको। दोस्तों, वेदों ग्रंथों के आधार पर पूरे ब्रह्मांड में लगभग 84 लाख तरह के जीव जंतु जाति पाए जाते हैं, जिसमें से मानव जाति एक ऐसी जाति है जिसके पास समझने की क्षमता होती है, उस पर अमल करने की क्षमता होती है, साथ ही साथ उस पर डेवलपमेंट करने की क्षमता होती है। दोस्तों, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं ये शिक्षा के माध्यम से ही पूरी हो पाती है, चाहे वो शुरुआती शिक्षा हो या आने वाले जनरेशन, आने वाले समय की शिक्षा हो, वो सारी जो प्रक्रियाएँ हैं, डेवलपमेंट है, ये सारी शिक्षा के माध्यम से ही पूरी हो पाती है। दोस्तों, शिक्षा के ही टॉपिक पे आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे ताकि उस चीज़ का आप भी लाभ उठा सको। दोस्तों, शिक्षा के ऊपर मानव जाति बहुत ज़्यादा ध्यान दिया तब जाकर आज इतना डेवलपमेंट हो पाया है। पहले के ज़माने में गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी और आज के ज़माने में शिक्षा का बहुत सारा स्रोत बन चुका है, जैसे मान लीजिए कि स्कूली शिक्षा है, साथ ही साथ कोचिंग की शिक्षा है, साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, बहुत तरह के अलग अलग पार्ट में शिक्षा को डिवाइड करके और से बेस्ट चीज़ें स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे ना कोई बांट सकता है, ना इसे कोई चुरा सकता है, इसका कोई पार्टीशन नहीं है, कोई मतलब तोड़ नहीं होता है। दोस्तों, तो मान लेते हैं कि पेरेंट्स कितना भी कोई धन कमाया हो या पहले से कोई धन है अपने परिवार में हो, तो उसे समय के अनुसार बांट लिया जाता है, अपने भाई भाई में बांट दिया जाता है, अपने फैमिली में जो भी उसका हकदार होता है बांट दिया जाता है। परंतु एजुकेशन ऐसा धन है, शिक्षा ऐसा धन है कि इसके कोई मतलब तोड़ी नहीं है, इसके कोई बांट ही नहीं सकता है। अगर आपने जो एजुकेशन, आपने जो शिक्षा प्राप्त की हो, आपके माइंड में हो, आप उसके काबिल हो, इसे कोई न बांट सकता है न कोई चुरा सकता है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर हमारी अपील रहती है सभी गार्जियन से कि अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन जहाँ तक की हो पाए उनको प्रोवाइड कराएं। दोस्तों, जिस तरह से आप ज़िंदगी जीते हैं, जिस तरह से फैसिलिटी आपके पास है, उस फैसिलिटी को थोड़ा सा कम भले कर लें, परंतु शिक्षा में जो आपके घर में बच्चे हैं उनको मतलब शिक्षा में कोई ऐसी कसर ना छोड़े, कमी ना छोड़ें कि वो शिक्षा से अचूक रह जाए। आप बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन उसको प्रोवाइड कराएं। दोस्तों, समाज में कुछ ऐसी भी परेशानियां हैं कि कुछ फैमिली, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। उसका एक ही रीज़न होता है, उनके पास पैसे ना होना, उनके पास उतना धन ना होना कि अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों, इसी बेस्ट एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए एक ऐसा भी सेक्टर है जो इनके बेस्ट एजुकेशन में जो प्रोवाइड कराने हैं इसमें एक सहयोग करता है। दोस्तों, वो सेक्टर है एनजीओ। जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन 2015 से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने में मतलब जितना भी यथासंभव जो हमारी कोशिश रहती है कि बच्चे को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। दोस्तों, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए स्कूली शिक्षा का काफ़ी बड़ा योगदान होता है, परंतु दोस्तों हम लोग के पास इतना बड़ा फंड नहीं होता है कि हम स्कूल बनवाकर उनको इस तरह की फैसिलिटी दी जाए, बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जाए। तो जैसे कि मान लीजिए कि आज के ज़माने में अगर बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने हैं तो बेस्ट एजुकेशन सेंटर बनते हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर होते हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर होते हैं, वहाँ पर बच्चे को अच्छी शिक्षा तो मिलती है, परंतु दोस्तों उनकी इतनी फीस होती है कि मिडिल क्लास फैमिली उनको मतलब अफोर्ड नहीं कर पाती है, इतनी ज़्यादा फीस होते हैं उनके। दोस्तों, इसी चीज़ को एनजीओ अपने स्तर से जितना भी योगदान होता है वो करता है। दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोचिंग के माध्यम से बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने का यथासंभव कोशिश करती है। दोस्तों, इसमें सभी लोग का योगदान होता है तभी ये पॉसिबिलिटी हो पाती है, क्योंकि दोस्तों अगर बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करानी है तो एक उस तरह की फैसिलिटी भी देनी पड़ती हैं, टीचर भी उस तरह से रखने पड़ते हैं।
तो उसी चीज को हम लोग भी एक अपने माध्यम से जितना भी हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी के साथ हम लोग बच्चे को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने का यथासंभव कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों से शॉर्ट में शेयर करेंगे। दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 2015 से कोचिंग सेंटर के माध्यम से बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, इस कोचिंग सेंटर का जो रूल्स रेगुलेशन है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो बच्चे आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उस एरिया में मान लीजिए कि कोई एरिया है, वहाँ पर 120 बच्चों का कैपेसिटी हो तो वहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक सेंटर खोल के, कोचिंग सेंटर, 2 घंटे का क्लास, 120 मिनट का जो क्लास होते हैं वो प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट की तैयारी, साथ ही साथ कंप्यूटर का जो बेसिक कंप्यूटर होते हैं और जिस तरह से जो क्लासेज हैं उस क्लास के अकॉर्डिंग कंप्यूटर शिक्षा, साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, जनरल प्रिपरेशन और साथ ही साथ दोस्तों मोटिवेशनल इवेंट और मोटिवेशनल ट्रिप भी हम लोग अरेंज कराते हैं, ताकि दोस्तों बच्चे के अंदर जितना भी डेवलपमेंट हो पाए उसी एक्टिविटी के माध्यम से हो पाते हैं। यही कारण है कि हम लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराकर बच्चों को मतलब एक मोटिवेट करते हैं, साथ ही उनको इंकरेज करके उनको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने का जितना भी हम लोग सहयोग कर सकें इस समाज के लिए करते हैं। दोस्तों, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनके एरिया में जहां पर 120 बच्चे होते हैं उस एरिया में एक कोचिंग सेंटर खोल के देती है, या उस एरिया में कोई अगर टीचर वहां पे पहले से पढ़ा रहा हो तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ज्वाइन करा लेते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जोड़ लेते हैं और वहाँ पर वो सारी व्यवस्थाएँ अपने लेवल से उनको देते हैं। साथ ही साथ जो वहाँ पर टीचर होते हैं उनकी जो भी फीस होती है हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, इसी चीज़ को अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो सेंटर हैं, अगर कोई टीचर हो, पहले से पढ़ा रहे हो, अगर चाहते हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ कर काम करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ कर कुछ बच्चे को मतलब बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आकर जुड़ सकते हैं और जुड़ कर बेस्ट एजुकेशन बच्चों को मतलब प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों, समाज के विकास के लिए एजुकेशन ये कितना महत्वपूर्ण है वो सब टीचर भी समझते हैं, साथ ही साथ हर पेरेंट्स समझते हैं, पर कुछ ऐसी परेशानियां हैं फंड को लेकर समाज में, हम जो परिवार में, कि वो चीज़ें वहां पर पूरी नहीं कर पाते हैं, मजबूरी बन जाती है, क्योंकि आज जो एजुकेशन है ये एक तरह से धंधा भी बन चुका है। दोस्तों, ये फैक्ट है। दोस्तों, पेरेंट्स अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला समस्या जो आता है उनके पास वो फंड का आता है, मतलब उनका जो फीस है, स्कूली शिक्षा का जो फीस है, स्कूल सिस्टम हो, कोचिंग सिस्टम हो, तो ये काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव हो चुके हैं। इस दोस्तों, हमारे ही तरह कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाई है, आज भी वो अच्छे से जहाँ यथासंभव जो उनके पास कैपेबिलिटी है वो एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। जैसे अगर बात करें अगर एजुकेशन को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने का, तो सबसे पहले तो हमारे आनंद कुमार, इनको कौन भूल सकता है दोस्तों। कुछ इस तरह से और भी कुछ नाम हैं, मगर ये जो एग्जांपल हमने दिया है आनंद कुमार, बिहार के सुपर 30 के जो सर हैं आनंद कुमार, इनसे बड़ा कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता है दोस्तों। ये निस्वार्थ बच्चों को किस तरह से सेवा करते हैं, किस तरह से बच्चों को अपना बच्चा समझकर उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, उनका जीवन संवारते हैं दोस्तों। ये चीज़ें आप लोगों को भलीभांति पता होगा, आपने भी सुना होगा उनके बारे में। तो दोस्तों, इस तरह से और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो शिक्षा को एक बिजनेस ना बनाकर एक तरह से समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है दोस्तों। दोस्तों, इसी शिक्षा की कमी को पूरी करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन यथासंभव जो भी संभव हैं, संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को हमारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर आप सभी के माध्यम से, आप लोग के सपोर्ट के माध्यम से, आपके जितने भी सपोर्ट होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन साथ ही साथ समाज के भलाई के लिए होती हैं, और इस सपोर्ट के माध्यम से हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना ग्रोथ अच्छे से कर रही है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहेगा और बढ़ चढ़ के आप एजुकेशन के सेक्टर में आप हिस्सा लेंगे। समाज का जो विकास है शिक्षा के माध्यम से ही हो पाता है। दोस्तों, समाज के विकास के लिए हमारा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक मैसेज है कि अगर आप अपने स्तर से जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी आप कर सकते हो शिक्षा के क्षेत्र में, वो आप सहयोग करो।
कि तो आप अगर पढ़ा सकते हो तो आप खुद से जाकर वहाँ पे टीचिंग मतलब बच्चे को प्रोवाइड करा दो, या फिर आपके पास कुछ अगर धन हो तो ऐसे बच्चे को मतलब प्रमोट करो, ऐसे बच्चों को पढ़ाओ जो मतलब असक्षम हैं, पढ़ने में तेज हैं, आने वाले भविष्य में वो अच्छा कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को चुनकर आप भी उनको पढ़ा सकते हो दोस्तों। दोस्तों हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये मैसेज, हमारा मैसेज जो है समाज के उत्थान के लिए, मानव जाति के विकास के लिए, और ये जो पॉजिटिविटी है ना, उस पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए मैसेज आता है। दोस्तों आप इस चीज पे अमल करो। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है। दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में हमारा अभी जो भी योगदान है काफी मतलब इसका जो प्लानिंग है, जो प्रोजेक्ट है, ये काफी बड़ा है। ये प्रोजेक्ट को हम आपको बाद में कभी शेयर कर देंगे। प्रोजेक्ट जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, नियम क्या है, उसके रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं, वो सभी सारी चीज़ें प्रोजेक्ट में मैं शेयर करूंगा। एजुकेशनल प्रोजेक्ट के नाम से वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको जो भी परेशानियां हो, आप जो भी उन्हें जो समझना चाहते हो उस प्रोजेक्ट में, अगर कोऑर्डिनेशन करना चाहते हो, हमारे प्रोजेक्ट को आप लेकर रन करना चाहते हो, तो आप आराम से रन कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें जानकारी, आप जो भी जानकारी होंगी प्रोजेक्ट को लेकर आपको शेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर दीजिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, आप उस चीज़ का लाभ उठा सको। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।